देखो यही है जनक जननी माता जानकी का जन्म स्थल, यही मेन मंदिर है यहाँ। एकदम देखो माँ जानकी बहुत अच्छा है, यहाँ पे भव्य सा बना हुआ है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो बाहर से ही दर्शन कर लो। बोलिए माता जानकी की जय। देखो बाहर से नज़ारा कुछ इस तरह का है यहाँ पे माँ जानकी का, और यही भव्य एकदम पूरा कैंपस है यहाँ पे। साथ में मंदिर पूरा बहुत पुराना बना हुआ है, एक समय था कि यहाँ पे अक्सर आया करते थे। आज ठीक है, माता जानकी का दर्शन करने के बाद ही आगे गांव की तरफ प्रवेश करते हैं, है कि नहीं। अरे इधर से चलो ना, यह जानकी स्थान में यह उड़ीबीजा कुंड है, यहाँ पे माता जानकी का जन्म स्थल ही है ये। अंदर इसमें ना हाँ पोखरी में मंदिर है, आंटी जी साइड हो जाइए। देखो यही नज़ारा है यहाँ पे एकदम उड़ीबीजा का, जय हो बजरंगबली। देखो भव्य एकदम बहुत ही ज़्यादा। देखो नीचे पानी है और नज़ारा कुछ इस तरह का है यहाँ का एकदम, इसीलिए तो फेमस है ना पूरे वर्ल्ड में एकदम। जहाँ माता जानकी के बारे में पता चलेगा ना तो ये जगह जो है ना इसके बारे में चर्चा जरूर जरूर होने वाला है। ऑटो स्टैंड में यहाँ पे अब देखते हैं कौन सा ऑटो जाएगा। ऑटो पे 6 साल के बाद बैठते हैं इस रूट में एकदम, बड़ी वेट करना पड़ता है 1 घंटा साला, मिल जाए अगर टाइम से तो ठीक है ना। फैट फीस यहीं पे तो है भाई, कंफ्यूजन है। कोई पहले कोई कह रहा है ई जाएगा पहले, है ना, इसमें भर गया सीट है, पीछे साला गर्दने सट गया, ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे पहले। पता तुम्हारे कुछ पूछा मैंने कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं जगह हाँ पर बीच वाला जगह, हाँ अब देखिए ये उधर लेके चलेगा, क्या हो रहा है कुछ समझे, देख रहे हैं सब लोचे है साला, है ना। बाइक नहीं लाने का ही बहुत बड़ा नतीजा है साला, यहाँ तक तो पहुँच जाओ और यहाँ से जाने में सबसे बड़ा तस्यासा हो जाता है एकदम। ठीक है बाइक रहता तो सूट लीवर निकल जाते अभी तक, यही है देख लीजिए। अब जो पहले से भरा है वो कहेगा कि हाँ ठीक है वो खुल रहा है, लेकिन इतना कूच देता है एकदम पीछे 4 आदमी साला 2 आदमी के बराबर अपने हैं, कैसे बैठ जाएंगे, बैठ के उतर गए। अब देखता ही कह रहा है कि हाँ पहले रीगा चल के तब चलते हैं, तो तब कहीं उधर नहीं मिला तो दिक्कत है, अच्छा बीच में कहीं मिल जाए तो बस ये हो जाए। देख रहे हैं साला स्वीटिंग एकदम पूरा, सब अंदर बाहर हर एक जगह भीग गया एकदम से, गर्मी है कंटाप एकदम। टाइम हो गया 6 बजने वाला है ना, देखते हैं हम लोग जा रहे अभी रीगा फाइनली एकदम, और नज़ारा कुछ इस तरह का है ना। साथ में अंकलो जी मुस्कुरा रहे हैं एकदम कि क्या हुआ है एकदम, ये जो मजा है ना हवा खाते एकदम, लगभग 10-12 साल के बाद इस तरह का मौका मिला है। मौका छोड़ कैसे जाने, देखो बस के छत पे बैठल है एकदम, कंटाप एकदम साए साए हवा लग रहा है एकदम खतरनाक तरीके से, है ना। तार धर लेना कहेंगे।